नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज, देश का सच दिखाते हैं। हम कानपुर से संवाददाता अब्दुल निसार की रिपोर्ट। उद्योग विभाग की ओर से 23 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मोतीझील लॉन में प्रदर्शनी एवं मेले तथा लेदर एक्सपो का शुभारंभ एक जिला एक उत्पाद और वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के उद्देश्य आयोजित किया जा रहा है। कोरोना काल के बाद पहली बार बड़े स्तर पर कानपुर नगर में प्रदर्शनी लगाई जा रही है। इसमें प्रदेश भर के हस्तशिल्पियों के उत्पादों का प्रदर्शन व बिक्री की जाएगी। प्रदर्शन में प्रमुख रूप से आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी, मुरादाबाद के पीतल के बर्तन, फिरोजाबाद के कांच के उत्पाद, बुलंदशहर की चीनी मिट्टी पॉटरी के उत्पाद, हापुड़ के घरेलू सजावटी सामान, वाराणसी की सिल्क की साड़ियाँ, लकड़ी के खिलौने, मिर्ज़ापुर की दरी तथा कानपुर नगर के लेदर उत्पाद आदि का प्रदर्शन एवं बिक्री की जाएगी। प्रदर्शन में फूड जोन के अलावा बच्चों के लिए झूले भी होंगे। प्रदर्शनी एवं मेले का शुभारंभ 23 सितंबर को सायंकाल 6 बजे मुख्य अतिथि माननीय कैबिनेट मंत्री श्री राकेश सचान जी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, खादी एवं ग्राम उद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया, जिसमें अति विशिष्ट एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, जिलाधिकारी महोदय आदि लोग उपस्थित रहे। देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। वोकल फॉर लोकल करके एक्सपो लगा, इसके बारे में बताइए। देखिए माननीय, मैं सुनील कुमार श्रीवास्तव, उपायुक्त उद्योग कानपुर नगर हूँ, और हम लोगों ने 23 तारीख से 2 अक्टूबर तक यहाँ पे एक वोकल फॉर लोकल ओडीओपी प्रदर्शनी और मेले का आयोजन किया है, जिसमें आप लोग देख रहे हैं करीब 70 से ज़्यादा दुकानें और शिल्पकार आए हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की अवधारणा है कि आत्मनिर्भर भारत, जिसके लिए हमारे लोकल जो उद्यमी हैं, हमारे हस्तशिल्पी हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाए और हम स्वदेशी की ओर ज़्यादा आकर्षित हों और वो करें। उसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूरे 23 सितंबर से पूरे 75 ज़िलों में यूपी के इस मेले का आयोजन किया गया, और जो हमारे छोटे ज़िले वहाँ तो 3 दिनों का है, लेकिन जो बड़े मंडली ज़िले हैं, कानपुर है, इलाहाबाद है, वाराणसी है, मुरादाबाद है, यहाँ पे 10 दिनों के मेले का आयोजन किया गया। और आपने देखा कल माननीय मंत्री जी, हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश सरकार के, एमएसएमई एंड एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट के, उन्होंने इसका उद्घाटन किया, और यहाँ पे उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे यहाँ पे मुरादाबाद के पीतल है, जरी जरबूजी है, बनारसी साड़ियाँ है, मिर्ज़ापुर की दरी है, सबसे इम्पॉर्टेंट देखिए आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी यहाँ पे है, और सहारनपुर के फर्नीचर है, भदोही की कालीन है, ऐसे तमाम हस्तशिल्पी यहाँ है। और यहाँ पे देखिए जो हमारे कानपुरवासी हैं उनका उत्साह देखने को मिल रहा है। मेले का दूसरा दिन है और यहाँ पर बहुत भारी भीड़ देखने को मिल रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे हमारे जो कानपुरवासी हैं बहुत भारी मात्रा में खरीदारी करेंगे, और जो हमारे हस्तशिल्पी उनका उत्साहवर्धन। सर अब ये कई दिन चलेगा? ये 2 अक्टूबर तक चलेगा, 10 दिनों का मेला, और इसमें हमको लगता है एक अच्छी बिक्री होगी। और हम लोगों ने ये भी कहा है कि डेली का जो हिसाब है हम ये बताएंगे कितनी बिक्री हुई।